la gradisca, la gradisca! Viva la gradisca! La gradisca! हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन दुनिया। हम हाजिर हैं आपके लिए एक और नया एक्सप्लेनेशन लेकर के। सो एक्सप्लेनेशन लास्ट तक देखना, ये कहानी आपको सच में बेहद अच्छी लगने वाली है। सो दोस्तों, आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये कहानी है 1930 के टाइम की इटली की, जहाँ एक रैमनी नाम का गांव हुआ करता था, जहाँ के लोग बदलते हुए मौसम को लेकर बेहद ज्यादा खुश होते हैं और उस मौसम के बदलाव के कारण कहीं ना कहीं इन लोगों के जीवन में भी बदलाव आने लगता है, पहनावा और खाने पीने की चीजों को लेकर के। अब बदलते मौसम के कारण आज रात ये पूरा गाँव एक बॉनफायर तैयार करता है, क्योंकि इस बॉनफायर में इस गाँव के लोग ठंड को एक चुड़ैल मानते हैं और उस चुड़ैल को आज इस आग में जला देंगे ये। और कुछ देर बाद ये लोग आग लगा देते हैं और उसके आसपास मस्ती मजाक करते हैं, छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं और खुश होते हैं। इस गांव में एक स्कूल भी है जहां के बच्चे अपने टीचर्स का मजाक बनाया करते हैं और एक दूसरे स्टूडेंट्स को परेशान किया करते हैं। इस स्कूल में एक तीतर नाम का लड़का पढ़ता है और यह लड़का हमारी कहानी का लीड एक्टर है, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल डब्बा है और वो इतना बड़ा डब्बा है कि उससे उसे बहुत ज्यादा परेशान है कि ये स्कूल छोड़े क्यों नहीं देता। लेकिन यहाँ ये टीचर्स ही नहीं बल्कि बच्चे भी अपने टीचर से परेशान है। मतलब कुछ टीचर के क्लासेस से तो बच्चे खुद बाहर निकल जाते हैं और कुछ टीचर खुद ही बच्चों को बाहर भगा देते हैं। तो सोचो जरा, ऐसे माहौल में पढ़ाई कैसे हो सकती है। तीता का स्कूल तो अजीब था ही, लेकिन उसका तो घर भी अजीब है। मतलब उसके घर में डाइनिंग टेबल पर हमेशा खाने के लिए लड़ाई होती है कि नहीं, ये वाला पीस मैं खाऊंगा, ये वाला लेग पीस मैं खाऊंगा। और इस लड़ाई के बीच एक दिन तीता के पिता अपना आपा खोद देते हैं और वो तीता के पीछे उसे मारने के लिए भागते हैं। उसके बाद तीता के पिता अपनी कैप दिखाते हैं जिस पे तीता ने सुसु कर दी थी। अब उसके पिता और एलियो का पागलपन देख के उसकी माँ भी काफी परेशान हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है। अब इन दोनों के झगड़े के बीच तीता के दादा का पेट खराब हो जाता है और वो पुटर पुटर करने के लिए दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब काफी देर बाद जब तीता के पिता दोबारा से अपनी सीट पे बैठते हैं तो अपना कंट्रोल खो देते हैं और पूरी डाइनिंग टेबल लेके नीचे गिर पड़ते हैं। तीता के दोस्त हमेशा ही रेगिस का कुछ परेशान करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं, मजे लेते रहते हैं उससे, उसकी खूबसूरती के। इस गाँव में एक एजुकेटेड एडवोकेट भी है जो हर वक्त चलते फिरते लोगों को ज्ञान देता रहता है, पर कोई भी उसे सीरियस नहीं लेता। एक दिन तीता चर्च गया जहाँ फादर ने उसे पकड़ के उसे कन्फेस करवाया। उसने गॉड के सामने अपने सारे पाप कबूल किए सिवाय एक के, कि वो भी दिन रात रेगिस्का को देखता रहता है और उसके प्यार में पागल है। तीता रेगिस्का के करीब जाना चाहता था और एक दिन उसे ये मौका मिल भी जाता है और उसने उसके करीब जाके वो सारी चीज करनी भी चाही, पर रेगिस्का ने उसे एक बच्चा समझ के छोड़ दिया और कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद इस गाँव में इस गाँव की सेना आती है और उनके वेलकम में इस गाँव के ने भी अपनी एक रैली निकाली और इस रैली में तीता के टीचर्स और उसके चाचा भी मौजूद होते हैं। अब इस रैली में तीता के पिता जाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को तीता की माँ मिरांडा ने बांध के कमरे में बंद कर दिया। साथ ही इस रैली के बीच तीता के स्कूल के बच्चों ने भी परफॉर्मेंस दिया। तीता का दोस्त चीचियो अलीना नाम की लड़की से शादी करने के सपने बुन रहा था। एक दिन मिरांडा अपने पति को अपने हाथों से नहलाती है, जिस वजह से उसे काफी अच्छा फील होता है और वो बोलता है कि जान, डेली तुम ही मुझे नहलाया करो। और ये देखकर तीता अपने पिता एलियो का मजाक उड़ाने लगा। वो पागल एडवोकेट जानता था कि ब्यूटी क्वीन रेगिस का इस गांव में क्यों मशहूर है। उसका असली नाम निनोला था और एक दिन उसे इटली के राजकुमार के पास ले जाया गया था और निलोला ने उस रात उस प्रिंस को खुश करने के लिए रेगिस्का कहा। रेगिस्का मतलब ये था कि वो राजकुमार मेरे साथ कुछ भी कर सकता है और इसी तरह निनोला का नाम रेगिस्का पड़ा। अब एक रात उसी राजकुमार की पार्टी देखने के लिए तीता अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है, पर इन बच्चों को उस पार्टी से वहाँ भगा दिया गया। अब इन सबसे परे तीता के चाचा एक लड़की के करीब आने में काफी व्यस्त होते हैं और तीता के दूसरे चाचा जिसका नाम थियो है वो एक पागल खाने में रहता है क्योंकि वो पागल है। अब एक दिन उसे पागल खाने से बाहर ले जाने की परमिशन लेके जब तियो के पास उसका पूरा परिवार आया तो उन सबको देख के वो बहुत खुश होता है। वो लोग तियो को अपने साथ खेतों में घुमाने के लिए ले गए, पर तियो से बातचीत करने के दौरान इन लोगों को समझ आता है कि तियो की हालत तो पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद तियो इन लोगों को कुछ पत्थर दिखाता है और वो कहता है कि मुझे ये पत्थर बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे लगते हैं। और इतना बोलते ही वो गाड़ी रुकवाता है और कहता है मुझे सुसु आ रही है और वो सुसु करने के लिए साइड में जाके खेत में खड़ा हो जाता है। पर जब काफी देर हो गई तो उसके पिता आके देखते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर रहा है, इवन इसने तो सुसु पहले ही पैंट में कर ली है, अब तो बस ये खड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे लेके अपने फार्म हाउस पे आ जाते हैं। यहाँ आके ये सभी लोग अपनी जिंदगी काफी इंजॉय करते हैं, अपने मन के सारे काम करते हैं, जहाँ
रात तीन तक कुछ गिद्धों और घोड़ों के साथ खेलता है और एलियो ने अपने पिता से तियो पर नजर रखने को कहा और वो खुद शराब पीने के लिए थोड़ा दूर चला जाता है। पर इसी दौरान तियो वहाँ से गायब हो जाता है। पर तभी अचानक तीता का भाई सबको बताता है कि तियो पेड़ पे चढ़ गया है और वो पेड़ से चिल्लाते हुए सबको ये बताता कि मुझे एक औरत चाहिए। जो भी उसे पेड़ से उतारने के लिए ऊपर चढ़ता है वो उनपे पत्थर फेंकने लगता है। अब उसकी इन हरकतों से ये पूरा परिवार परेशान हो जाता है और उसे ये दिखाते हैं कि तू पेड़ पे बैठा रहा है, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब ये लोग वहाँ से जाने का झूठा नाटक करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी तियो पेड़ से नीचे नहीं उतरता और इन पे पत्थर फेंकता रहता है। फिर लास्ट में हार थक के ये लोग एक मेंटल हॉस्पिटल कॉल करते हैं और वहाँ से एक बॉनी नर्स बुलाते हैं जो पेड़ पे ऊपर चढ़ के तियो को नीचे उतारती है और इस बार तियो उसके कहने पे नीचे आ भी जाता है। और इसके बाद ये लोग तियो को वापस से पागलखाने में एडमिट करवा देते हैं। और अब हम कहानी कई महीनों बाद के देखते हैं जब पतझड़ का मौसम आ चुका है और ये लोग इस मौसम को एंजॉय करने के लिए समुद्र में घूमने के लिए जाने लगे। और एक दिन इन सभी गाँव वालों को पता चलता है कि उन दोनों इटली का सबसे बड़ा जहाज इनके गाँव के पास से निकलने वाला है, इसलिए ये सभी लोग वोट लेके उस जहाज को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। क्योंकि उस समय वो जहाज अपने आप में एक अद्भुत चीज थी क्योंकि वो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था और बहुत बड़ा जहाज था। आखिरकार इन लोगों को इंतजार करते हुए वो रात आ जाती है जब वो जहाज इन लोगों के पास से निकलता है और ये लोग उस जहाज को देख के सच में बेहद खुश होते हैं। और जो लोग उस जहाज को नहीं देख पाते वो उसकी आवाज सुन के ही खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत ज्यादा धुंध हो जाती है और वो धुंध इतनी ज्यादा थी कि तीता के दादा उस धुंध में ही खो जाते हैं और यहाँ वहाँ वो अपने घर को ढूंढते रहते हैं। पर कुछ देर बाद उनके सामने से एक आदमी आया जो उन्हें बताता है कि तुम खोए नहीं हो, तुम तो इतनी देर से अपने घर के बाहर ही खड़े हो। अब इसी घनी धुंध में हम तीता के भाई को स्कूल जाते हुए देखते हैं। हालांकि वो बहुत ज्यादा डर रहा था लेकिन फिर भी वो अपनी फटी हुई इज्जत संभालते हुए धुंध में आगे बढ़ता है। लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो भाग के वापस से घर आ जाता है। पर उस दिन तीता अपने दोस्तों के साथ स्कूल बंक करके वहाँ के एक आलीशान होटल के पास जाता है और यहाँ आके ये सभी लड़के अपने साथ किसी लड़की को इमेजिन करते हैं और डांस करने लगते हैं। मतलब समझ रहे हो ये लड़के कितने भरे बैठे हैं लड़कियों को लेकर के। इस गांव में हर साल एक कार रेस होती है। तीता इस रेस को जीतने के और रेगिस्का को जीतने के सपने देखने लगता है, साथ ही चीचो एलिना को जीतने के सपने देखने लगता है। हालांकि ये दोनों ही जानते थे कि उन्हें इस रेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया जाएगा। अब एक शाम तीता को ठंड लगती है और अब उनके पास लड़की तो होती नहीं है, इसलिए वो सिगरेट से ही काम चला लेते हैं। और इसीलिए वो एक शाम एक दुकान पे सिगरेट लेने के लिए जाता है और वो उस दुकानदार की मदद करने की कोशिश करने लगता है। पर उसे बच्चा समझ के वो दुकानदार तीता को रोक देती है और उस वक्त तीता को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो अपनी ताकत दिखाने के लिए इतनी भारी भरकम दुकानदार को ही उठा देता है। और ये चीज उस दुकानदार को बड़ी अच्छी लगती है और वो नहीं सोच रही थी कि तीता मुझे नीचे उतारे। पर तीता के इतने भारी काम करने की वजह से वो अगले दिन बीमार पड़ जाता है। फिर एक वो दिन आता है जब इस पूरे गाँव में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है। मतलब उस दिन जितनी बर्फ पड़ी उतनी बर्फ आज तक उस गाँव में नहीं पड़ी थी। और इसे एक ऐतिहासिक दिन समझ के जब वो पागल एडवोकेट सबको इतिहास की बात बताने लगा तो सारे बच्चे उस पे बर्फ का गोला बनाकर फेंकने लगे। तीता अब भी रेगिस्का का दीवाना होता है और हर जगह वो उसका पीछा करता रहता है। तीता की जिंदगी हर तरफ से अच्छी चल रही थी पर एक दिन तीता की माँ बीमार हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। पर तीता अपनी माँ की ज्यादा फिक्र ना करते हुए बर्फ के मजे उठा रहा था और रेगिस्का का पीछा करता रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। फिर एक दिन आया जब तीता को ये पता चलता है कि उसके दादा को घर से कहीं दूर ले जाया जा रहा है। और जब तीता अपने कमरे से उठ के बाहर आता है तो उसे कुछ औरतें रोती हुई दिखाई देती हैं। तब उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तीता अपनी दुनिया और रेगिस्का की दुनिया में इतना गुम था कि उसे अपनी माँ की कभी फिक्र ही नहीं हुई, जिस वजह से उसने अपनी माँ को ही खो दिया। और ये बात सोच के उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और उस दिन से उसने अपने आप को पूरी तरह बदल दिया। वह तीता का अब किसी काम में मन नहीं लगता और कुछ भी चीज उसे अच्छी नहीं लगती। और इस बार बसंत का महीना आने पर भी वो बिल्कुल खुश नहीं होता। कुछ दिनों बाद रेगिस्का की एक फ्रांसिस सिपाही के साथ शादी हो जाती है और गांव वाले रेगिस्का की शादी में शामिल हुए। और जिस वक्त रेगिस्का अपने पति के साथ ये गांव छोड़ के गई उस वक्त तीता के दोस्तों को पता चला कि तीता भी ये गांव छोड़ के जा चुका है। और इसी के साथ इस कहानी का एंड यही होता है। सो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट योर आंसर एंड प्लीज लाइक द वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।